3 मिनट स्टब में बैठ जाओ, 2 मिनट इसमें बैठ जाओ, ये आपके पेट की सारी कब्ज, एसिडिटी और जलन जितना भी रहता है वो सारा का सारा दूर कर देगा। कितने कमाल के टब हैं ये, कैसे काम करते हैं आज डॉक्टर साहब हमें सब बताने वाले हैं। कब्ज का इतना आसान सा आसान तरीका तरीका है ये, लोग तो कब्ज से इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ले लेते बीमारियां हैं। लेके बैठे करते ना ये, इससे लगता है इससे क्या होगा, लोगों को धारणा ये है ना। हमारा मल जब जमा होता है यहाँ पर, ये सारा सख्त, ये पेट हम देख रहे हैं इतना सख्त है, तो हाँ जी नरम हो हाँ, जाएगा ये ये नरम हो जाएगा 3 मिनट और 2 मिनट दो में। मिनट में। अरे अरे कमाल की बात है, ये इसमें कैसे आप पॉसिबल है, ऐड देखोगे करके दिखाएंगे ये देखो हाँ, जादू। तो ये समझ गर्म जाएंगे। है, कितना गर्म है पानी डॉक्टर साहब? ये 40 डिग्री तक गर्म है, चालीस अच्छा, चालीस और के वो भी उसको हाथ लगाए वो कितना है, ठंडा है वो ये? 18-20 ये 18-20, अठारह हाँ ये बीस ठंडा है हाँ ये, इसको गर्म। चाहे और भी कम रख सकते हैं, 14-15 तक भी ले सकते हैं, जितना सहन हो उतना ले सकते हैं, जितना ठंडा हो उतना ही ज़्यादा फायदे करेगा अच्छा, ये, जितना सहन को उतना गर्म ले सकते हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ले तो इसके सकते हैं। बैठने का भी कोई खास तरीका है इसके अंदर हाँ बैठने ना? का इसमें तरीका है तो आज एक एक कि तरीके को जानेंगे। खास टब बने हुए हैं ये डॉक्टर साहब, ये कुछ हाँ है ये टप खास तौर से फाइबर के बने हुए तो जो हैं ये हमारा मल जमता है इसके अंदर सारे ये, आंतों में, हाँ ये छोटी इसी आंत वजह है से फिर बड़ी आंत में जाके फंसता है ये सारा। हमारे हाँ पास ये जो वाली है है, ये, इसमें मैं तरीका बताऊंगा कैसे करेंगे तो इस मल को आगे निकलने में सहायता मिलेगी आराम तो से। ये गर्म में पहले बैठ ये आपने गर्म में बनाया, बैठे हैं, गर्म में बैठ के सिर पर टॉवल रख देते हैं, तो तो आपने जैसे भी इसमें गर्म में बैठे हैं तो गर्म में आते मल फूलेगा और उसमें जाएंगे ठंडे में तो सिकुड़ेगा। मतलब सिंपल आपका कहने का लॉजिक ये है कि इसके अंदर 40 डिग्री का टेम्परेचर का पानी है, पानी ठीक है? है तो ये जो चालीस आंतें हैं बयालीस है हमारी, जो पैंतालीस पेट हाँ है, हाँ जी जो भी सख्त था अभी देख रहे ये हैं, थोड़ा और भी है डूब ना? जाना चाहिए पानी हाँ, ले ये पूरा करते हैं, डूबा होना पूरा चाहिए डूबा पानी हाँ के अंदर, डूबा चाहिए तो ये बैठे पैरों से, की पोजीशन इसमें ऐसे पैर की पोजीशन रहेगी। ऐसी ठीक है इस पे तो अब ये आंतें अगर ये गर्म पानी में जाएंगी ऐसे, जाएंगे हाँ, तो ये क्या होगा, ये फूल ये जाएंगे फूलेंगे मल इनका फूलेगा जो जमा मल है गर्म इसके से जो अंदर। हाँ वो फूलता है ठंडे से सिकुड़ता है, ये एक लॉजिक है सीधा है। तो ये 3 मिनट बैठे रहेंगे 3 मिनट ऐसे, बैठे रहेंगे और कुछ इसमें, करना है इसके अंदर अब कुछ? इसमें कुछ नहीं करेंगे, ठंडे में बैठेंगे जब इसमें हाथ फेरेंगे तो सिर पे ये कपड़ा कौन सिर सा पे रख ठंडा लूँ? तौले, इसलिए कि जैसे इसमें गर्मी है वो सारे अपने हीट ऊपर ना जाए, अच्छा, ब्रेन को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब ये 3 मिनट इनके पूरे हो गए यहाँ से, हाँ तो अब उठने का भी कोई खास तरीका है इसमें? पैर को चाहे उतार दे इनको हटा दे और बस आराम से खड़े हो जाए, कोशिश करें कि ऐसा ना भीजे, थोड़ा तिरछा ऐसा कैसे चल के और उसमें जाके बैठ जाए, पैर कम से कम भीले हो अब इसमें अच्छा, बैठ कोई जाए। गैप नहीं देना बीच में आपने, हाँ सीधा वहाँ पे 3 मिनट बिठाया। अब ये पूरा 18 डिग्री में, 15 डिग्री में, जितना कम से कम हाँ हो। हाँ उतना ले सकते हैं बस। अब इसमें यहाँ से राइट से लेफ्ट हाथ फेरवाइए, तो जो मल यहाँ से हम, आपने बताया था कि जो फूला ये है, यहाँ से हाथ फेरते हुए ऐसे जाएंगे, बड़ी हाथ के ऊपर हाथ फेरते जाएंगे, जैसे यहाँ से चलेंगे इधर से घूमते आएंगे, इधर से उठाएंगे इधर से घूमते आएंगे, मल जो क्या है सूख जाता है ड्राई हो जाता है हाथों में तो उसको सरकने में सहायता करेगा ये। तो अब इसमें कितनी देर बैठना है डॉक्टर साहब? हाँ ये इसमें 2 मिनट, उसमें 3 मिनट बैठे इसमें 2 मिनट बैठना, अच्छा, ये भी लॉजिक है, उधर हाँ तीन ऐसा उधर तीन राउंड करना है, 3 मिनट गर्म 2 मिनट ठंडा, ऐसे 5 मिनट का तीन ट्रिप हो गया मतलब तो पांच पंद्रह पांच मिनट हो पंद्रह गए, मिनट का ट्रीटमेंट है ये तो सारा, यानी कि 3 बार करना है इसको। तीन बार करना होता है। तो कैसा लग रहा है जी आपको? बहुत अच्छा हो रहा है, भी कुछ लग रहा है, पेट नरम हुआ? जो पहले से सख्त था पहले से नरम लग रहा है। ये मतलब किस टाइम करना होता है, सुबह दोपहर ये शाम में, वैसे सुबह कर सकते हैं या शाम को टाइम के, हम तो ट्रीटमेंट की या दृष्टि से शाम के टाइम खाना में करते खाने से हैं, पहले, बाद में, कब? खाली पेट पे होना चाहिए, कम खाली पेट खाना के होना दो तीन चाहिए। घंटे बाद 3 घंटे बाद होना, लोग चाहते हैं कि आज एक भी करें ठीक हो जाए, एक बार नहीं कम से कम कुछ दिन 5-7-10 दिन लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई आज एक बार किया उसी से ठीक हो जाएगा। तो आपका कहना मतलब 15 दिन अगर ये कर लें हाँ लगातार तो भी कर सकते लगातार हाँ हैं, कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी कर सकता कोई है इसको, दिक्कत नहीं कोई लेडीज दिक्कत जेंट्स नहीं, ये तो कोई? आदमी स्नान रोज करता है हाँ, उसी टाइप तो की चीजें, ये पर्टिकुलर अंग का स्नान है ये, एक पेट मतलब का ये स्नान है आंतों ये, के लिए इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं कोई है। तरीका नहीं।